पबजी खेलते हो, मेरा मतलब है बीजीएमआई खेलते हो, फ्री फायर के लवर हो। ये क्या बात करता है यार। फोन में रैम कम है, 2GB 3GB 4GB, इनफैक्ट 4GB होने के बावजूद भी आपका फोन वो लैग या फिर हैंग करता है गेम खेलते वक्त। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो क्या नाचो मैं? आज इस वीडियो में मैं आपको गेमिंग को बेहतर करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे। एक सेकेंड, यकीन नहीं मानोगे तो यार क्यों बताऊँ। अगर आपके फोन में रैम कम है, इनफैक्ट रैम ज्यादा है, तो भी अगर आप अपने फोन में एक बेहतर गेमिंग चाहते हैं, देन इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। अच्छा, और इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के बाद आप एक चीज जरूर बोलोगे, पहले मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स जो आपको हर फोन में करनी चाहिए अगर आप एक गेमर हो और आप अपने स्मार्टफोन में एक बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहते हो। चाहे आपके फोन में कितनी ही जीबी रैम क्यों ना हो, 1GB 2GB 4GB 8GB 10GB 100GB, एक सेकेंड, 100GB का रैम फोन में भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। फर्स्ट सेटिंग इज डॉल्बी एटमोस साउंड को ऑन करना। यस, आजकल ऑलमोस्ट जितने भी दोस्तों मिड रेंज स्मार्टफोन होते हैं उन सभी में आपको डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट मिल जाता है। इनफैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोनों में तो ये चीज जरूर मिलता है। तो ये जो सेटिंग है इसे आपको ऑन कर लेना चाहिए अगर आपको अपने फोन में एक बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए, एक बेहतर साउंड क्वालिटी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है फोन के और वहां पे आपको जाकर सर्च करना है साउंड्स एंड वाइब्रेशन। साउंड सर्च करोगे तो जो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कर लेना और उसके बाद वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स, उस पे आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको डॉल्बी एटमोस का ऑप्शन दिखेगा। इस सेटिंग को आपको ऑन कर लेना है, बस उसके बाद आप जो भी गेम खेलोगे उसकी जो साउंड क्वालिटी आएगी वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। हाँ, हो सकता है कि ये जो सेटिंग है, ये जो ऑप्शन और फीचर है, हो सकता है आपके फोन में ना हो या फिर हो सकता है आपके फोन में है, अगर है तो इसे इनेबल जरूर कर लेना। नेक्स्ट, रिफ्रेश रेट। यस, आजकल आपने देखा होगा ज्यादातर स्मार्टफोनों में आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, बट कुछ लेजेंड्स हैं जो शुरुआत में तो कहते हैं कि फोन में हाई रिफ्रेश रेट है, हाई रिफ्रेश रेट है, अरे भैया मेरे फोन में 120Hz 90Hz है, लेकिन कुछ टाइम बाद लोग सोचते हैं कुछ फायदा नहीं हो रहा, चलिए इसको ऑफ कर देते हैं। लेकिन अगर आपको एक बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए और आपके फोन में अगर हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट हो, भले ही 90Hz का ही क्यों ना हो, तो आपको इसे ऑन कर लेना है। मैं आपको हाई रिफ्रेश रेट को ऑन करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे ना आपको एक बेटर विजुअल फील मिलेगा एंड हाँ, साथ में आपको एक फास्टर और स्मूथ एनिमेशन मिलेगा, जिससे डेफिनेटली अगर आप फोन में गेम खेलते हो, भले आपके फोन में रैम 4GB हो या फिर 6GB का रैम हो, तो भी आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। सो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, फोन के सेटिंग्स में जाओगे, सर्च करोगे वहां पर हाई रिफ्रेश रेट, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पर जाके आप अपने 60Hz से 90Hz में या फिर आपके फोन में 120Hz है तो 120Hz में सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद गेमिंग एक्सपीरियंस ट्राई करना। सच में आपको नॉर्मल 60Hz के मुकाबले आपको एक अलग ही गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, यकीन मानिए, ट्राई जरूर करना। एक्चुअली में यहाँ पर दोस्तों 90Hz में या फिर हाई रिफ्रेश रेट में जो एनिमेशन है वो आपको काफी स्मूथ मिलते हैं, जिससे डेफिनेटली जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाएगा। वैसे दोस्तों क्या आपको ये बात पता थी? नहीं ना, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का जय, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। नेक्स्ट, ये बहुत ही जरूरी है और हर फोन में, अगर आप फोन में गेम खेलते भी हो नहीं भी खेलते तो भी आपको जरूर करनी चाहिए, और वो है अपने फोन में जितने भी जंक फाइल है, जितने भी फालतू की चीजें हैं, उन सभी को डिलीट कर देना। फॉर एग्जांपल के लिए फालतू के ऐप्स डिलीट कर दो और अपने फोन के स्टोरेज को ज्यादा से ज्यादा खाली रखने की कोशिश करो। अगर आपके फोन में जो स्टोरेज वो कम है, 32GB है, 64GB हो, लेकिन अगर स्टोरेज फुल है तो ऐसे में ये आपकी परफॉर्मेंस पे भी असर करता है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आप अपने फोन में जो स्टोरेज है वो ज्यादा से ज्यादा खाली रखने की कोशिश करते हो तो इससे दोस्तों आपके फोन की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी और साथ में दोस्तों आपके फोन में जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ट्राई जरूर करना। इन सभी चीजों के बाद अब जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है ना वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है। इससे दोस्तों अगर आपके फोन में रैम कम हो, यस, भले ही 2GB का रैम हो, तो भी आप अपने फोन में दोस्तों जो गेमिंग है उसे थोड़ी सी और इंप्रूव कर सकते हो या फिर कह सकते हो नेक्स्ट लेवल पे जाके जा सकते हो। नहीं मानता। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने फोन में दोस्तों जो पहले गेमिंग करते थे उसके मुकाबले आप अपने फोन की जो गेमिंग एक्सपीरियंस है, जो ग्राफिक्स है, उसे और बेहतर कर सकते हो, तो आपको कैसा लगेगा?
बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा ना बहुत अच्छा। यस, तो यहाँ पर एक सेटिंग है, लेकिन इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन में डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है। तो इसके लिए फोन के सेटिंग्स में जाना है, अबाउट सेक्शन में जाना है, उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिल्ड नंबर, इस पे आपको 7 times टैप 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 करते जाना है, जब तक वहां पर आपको ऑप्शन शो नहीं जाता यू आर अ डेवलपर नाउ। तो जैसे आप 7 times टैप करोगे तो उसके बाद वापस आओगे तो अबाउट सेक्शन के जस्ट ऊपर आपको एक डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां पर आपको क्लिक करना है। वैसे दोस्तों ये एक सीक्रेट सेटिंग होता है किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में। अगर आपको डेवलपर ऑप्शन के बारे में ज्यादा नहीं पता तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उन सभी को मैंने एक एक करके एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो और इस ऑप्शन के बारे में डिटेल में जान सकते हो। और इस डेवलपर ऑप्शन के अंदर आके आपको सर्च करना है फोर्स 4XMSAAA। जैसे आप ये सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, इनेबल कर देना है, यानी कि ऑन कर देना है 4XMSSA। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इसका फुल फॉर्म है मल्टी सैंपल एंटी एलियसिंग। मैं आपको अगर सिंपल में समझाऊं ना तो ये फंक्शन बेसिकली करेगा क्या, ये आपके एंड्रॉइड फोन को फोर्स करेगा, यानी कि जबरदस्ती करेगा कि तेरे को करना ही होगा, कर, मुझे नहीं पता कर, मतलब कि आपके फोन में जितना भी पावर है उस पावर से फोन में ग्राफिक्स दिखाए ताकि आपको एक बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सके। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, मतलब और भी सिंपल में कहूं तो ये आपके फोन को बेसिकली फोर्स करेगा जीपीयू को रेंडर करने के लिए 4 times ताकि आपको एक बेहतर ग्राफिक्स मिल सके या फिर कह लो एक बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सके। सिंपल में कहूं तो दोस्तों ये आपके फोन की गेमिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा इंप्रूव कर देगा, भले ही आपके फोन में कम रैम हो या फिर ज्यादा रैम हो तो भी। बट दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जैसे कि दोस्तों जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि इस ऑप्शन को अगर आप ऑन करते हो तो आपके फोन में दोस्तों जीपीयू रेंडरिंग 4 times यानी कि बहुत पावरफुल यहां पर प्रोसेसिंग यूज होगा, जिससे आपके फोन की दोस्तों जो बैटरी है वो फास्ट ड्रेन होगी, इतनी ज्यादा नहीं बट यस, अगर आप नॉर्मल यूजर हो जिस तरह से पहले यूज करते थे उसके कंपैरिजन में जो बैटरी है वो फास्ट ड्रेन जरूर होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आपको करनी है, ये चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले ही आपके फोन में कितनी ही जीबी की रैम क्यों ना हो, कम हो ज्यादा हो, आपको जरूर ये चीज करनी चाहिए और आजकल हर फोनों में ये आपको जरूर देखने को मिल जाता है, और वो है दोस्तों गेम मोड। ये जो गेम मोड बनाया जाता है आपको फोन में दिया जाता है ये फीचर, ये एक दोस्तों गेमिंग को ऑप्टिमाइज करके एक बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करने के लिए ये फीचर आपको दिया जाता है, एंड आपको इस फीचर को जरूर यूज करना चाहिए। इस तरह के ऐप को हम बेसिकली गेमिंग बूस्टर ऐप भी कहते हैं, और ये बेसिकली करता क्या है, आपको ये इंश्योर करता है कि आप जो गेम खेल रहे हो ये आपको एक स्मूथ गेम प्ले प्रोवाइड करे, और गेम खेलते वक्त जितने भी फालतू के नोटिफिकेशन आते हैं जो आपको परेशान करते हैं वो सारे के सारे नोटिफिकेशन को या फिर कॉलिंग को ये स्टॉप कर देता है। मतलब सिंपल मैं कहूं, अगर आप गेम खेलते हो पबजी बीजीएमआई या फिर फ्री फायर और आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है, आपको आपके फ्रेंड आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप सीधा इस ऑप्शन की मदद से उन्हें किक आउट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। एंड इसके अलावा दोस्तों ये आपकी गेम में तो आपके फोन में जितने भी हैवी गेम हो, कितने भी हैवी साइज का गेम हो, उसे ऑप्टिमाइज भी कर देता है ताकि आप फोन में गेम खेलते वक्त आपको जितनी नेक्स्ट लेवल की आपको परफॉर्मेंस मिल सके, जितनी नेक्स्ट लेवल की आपको ग्राफिक्स मिल सके, वो सारे की सारी चीज़ों को ये एप्लीकेशन या फिर कह लो ये फीचर गेम मोड या फिर गेमिंग बूस्टर ऐप ये बेसिकली ऑप्टिमाइज कर देता है ताकि आपको एक स्मूथ एंड डेफिनेटली बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करो यार, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड स्टे सेफ। बाय बाय।